नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 जुलाई 2022 की आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अष्टमी ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर अष्टमी आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य अष्टमी आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, अष्टमी आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, साथ ही दोस्तों वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, दिन शनिवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और अश्लेषा नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। वहीं दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों दिन हर्षण नाम का शुभ योग सुबह के 11:32 रहेगा, उसके उपरांत वज्र नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, दिन राहु काल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 9:09 से लेकर सुबह के 10:50 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कर्क राशि पर संचार करेंगे। कुछ अमल भी जरूरी है, इबादत के बाद सिर्फ सजबा करने से जन्नत नहीं मिलती। मेरी झोली में कुछ अल्फाज अपनी दुआओं के डाल दे दोस्त, क्या पता तेरे लब हिले और मेरी तकदीर संवर जाए। दोस्तों, इश्क और इबादत में इतना ही अंतर है, एक की याद तकलीफ देती है और दूसरे की याद तकलीफ में आती है। दोस्तों, मन से जो कहा जा सकता है वो शब्द में नहीं और जो दिल से दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं। दोस्तों, कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआ से मिलते हैं और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, आपका अपने व्यक्तित्व और फिर रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना मित्रों और फिर सहयोगियों के बीच आकर्षण का कारण बनेगा। समाज में भी आपकी छवि और अधिक निखरेगी। दोस्तों, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से स्वस्थ रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन में सावधानी रखें, साथ ही धोखा हो सकता है दोस्तों और आप किसी आर्थिक परेशानी में भी इनसे उलझ जाएंगे। भूमि संबंधी जो भी खरीद फरोत करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच करवा लें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि आपके विचार ही आपके दुश्मन बने रहेंगे। हर किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक होना आपको अपने ही अंदर नकारात्मकता भी दिखा सकता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को बदलने का जिद और किसी भी रिलेशनशिप को खराब होने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना आपको प्रिय व्यक्तियों से दूर कर रहा है। दोस्तों, खुद के द्वारा हुई गलतियों की जिम्मेदारी उठाना आपको यह समय सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों भावनाओं की बजाय चतुराई और विवेक से काम आपको लेना चाहिए। परिस्थिति जो है आपके पक्ष में कार्य कर रही है। दोस्तों, बच्चों की किलकारी संबंधी कोई शुभ सूचना भी इसमें घर में मिल सकता है जिससे उत्साह भरा माहौल भी रहेगा। साथ ही दोस्तों, किसी अटके हुए काम को पूरा करने में भी इसमें आप सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपको बता दें कि किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली भांति विचार अवश्य कर लें, बेहतर होगा कि दोस्तों घर के सभी सदस्यों की सलाह आप जरूर ले लें। दोस्तों, पैसे के मामले में किसी भी पर भी यश में विश्वास ना रखें, खुद पर ही और फिर सभी गतिविधियों को आप अपने तरीके से संभालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों, जितनी परिस्थिति आपके लिए कठिन लग रही है उतनी कठिनाइयां आपके जीवन में नहीं है, केवल आपके विचारों द्वारा आप जो है खुद को तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों, यह समय घर के नवीकरण अथवा रखरखाव संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। किसी सामाजिक गतिविधियों में भी आपका इसमें महत्वपूर्ण योगदान होने से आपका मान सम्मान भी यह समय बढ़ने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों, अगर घर या फिर वाहन संबंधी खरीदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है।
इसके उपरांत दोस्तों यश में परंतु कभी कभी आपके विचारों में वहम या फिर संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें आपके परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों सबसे खास इस बात पर आप ध्यान रखें, अपने व्यवहार और विचारों में बदलाव लाने के लिए कुछ आत्मचिंतन भी आप यश में करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके यश में होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपको अपनी गलती सुधारने का अवसर भी यश में प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों अपने द्वारा हुए कामों को, जो भी गलत काम थे आपके यश में, उन्हें ठीक करने की आप कोशिश करते रहें। नए काम की शुरुआत करने के लिए ये जो समय है आपके लिए उतना ठीक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों पेशे का निवेश करना कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ समय के लिए आपके टाल दें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें आपके लिए समय होंगे दोस्तों अपने परिवार के लिए किसी प्रकार के मुद्दे पर विचार विमर्श आपका हो सकता है तथा बच्चों की भी उत्तम विचारों की वजह से उनकी सराहना होगी। भूमि संबंधी कार्यों में भी अगर निवेश करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कई दिनों से चल रही है तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे उस पर तुरंत अमल करें। परिस्थितियां आपके लिए यश में अनुकूल रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों जो है अपने स्वभाव या फिर विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें। कभी कभी आपका संकलानु स्वभाव दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। युवा वर्ग बेकार की गतिविधियों में समय नष्ट ना करके अपने करियर संबंधी योजनाओं पर ध्यान फोकस करें, इससे ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपके द्वारा किए गए कामों के बारे में दूसरों के द्वारा प्रशंसा मिलने की अपेक्षा रखना आपके लिए तकलीफदायक हो रहा है। इसलिए दोस्तों अपना काम करते रहें और बड़ा यश प्राप्त करने की सोच रखकर आगे बढ़े। दोस्तों आपको आपके अंदर की सच्चाई और काम के प्रति निष्ठा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि यश में बिजनेस में लेन देन के जो समय होंगे पक्के बिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों यश में किसी भी तरह की इंक्वायरी की आशंका बन रही है। रिटेल की अपेक्षा होलसेल कार्य ज़्यादा सफल रहेंगे। यश में ऑफिस का माहौल जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में कार्य क्षेत्र में कुछ खास फैसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। दोस्तों बेहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपेक्षा अभी वर्तमान पर ही अपना ध्यान को आप फोकस करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी ऑफिशियल कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय की स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी, थोड़ी सी परेशानियां आएंगी परंतु सावधानी रखने से आपके कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। दोस्तों कार्यस्थल पर स्टाफ की गतिविधियों पर ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बिजनेस में अपने लक्ष्य की क्वालिटी को अधिक बेहतर बनाने में आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर भी आपको मिलने की संभावना बन रही है। यह समय मार्केटिंग और फिर संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये संपर्क सूत्र आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में अपने व्यस्तम समय में जो है परिवार के लिए कुछ समय निकालना आपसी संबंधों को मधुर रखेगा तथा परिवार में भी खुशहाली भरा वातावरण रहेगा, तो दोस्तों जरूर समय निकालें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ उचित तालमेल बिठाकर रखने के लिए आपको सहयोग आवश्यक है। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके यश में लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण सुखमय बना रहेगा तथा घर के सभी सदस्य आपस में प्रफुल्लित भी तथा खुश रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी दोनों ही व्यस्तता की वजह से घर पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु घर का माहौल जो है खुशनुमा बना रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यधिक काम की वजह से आपका जो स्वभाव है उनमें चिड़चिड़ापन हो सकता है। दोस्तों मेडिटेशन या फिर योगा करना यश में आपकी समस्या का उचित निवारण होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों एलर्जी या फिर खांसी जुकाम की स्थिति रहेगी, लापरवाही ना बरतें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना यश में आपके लिए आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, खांसी जुकाम या फिर बुखार जैसी परेशानी भी रह सकती है, लापरवाही ना करें तथा उचित इलाज यह समय जरूर लें।
शुक्रिया दोस्तों, यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत तक ठीक होगा, किसी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु दोस्तों लापरवाही बरतना इसमें आपके लिए उचित नहीं होंगे और इन सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।